मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के चौथे कार्यकाल के सफलतम दो वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा जिला महामंत्री अरविंद पटेरिया ने खजुराहो के एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता आयोजित की। उन्होंने अपनी सरकार की दो वर्षों की विशेष उपलब्धियां गिनाई और 15 महीने की कमलनाथ सरकार की कमियां गिनवाई। बीते दो सालों में भाजपा सरकार ने चुनौतियों को अवसर में बदला और सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के ध्येय के साथ काम करते हुए प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के रास्ते पर लगातार आगे बढ़ा रही है। प्रेस वार्ता में भाजपा जिला महामंत्री अरविंद पटेरिया के अलावा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष राम मिलन आदिवासी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष दिनेश गौतम, जिला मंत्री संजय रैकवार, खजुराहो मंडल अध्यक्ष महेंद्र सिंह परिहार, राजनगर मंडल अध्यक्ष कमलेश पटेल, मुकेश पांडे, ब्रजगोपाल अवस्थी विशेष तौर पर उपस्थित रहे। जो आज 66% बढ़कर 1.83 लाख मैट्रिक टन हो गया है। गरीब कल्याण, प्रदेश में प्रत्येक गरीब परिवार को एक साथ अनेक योजना का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास, भूवत्कार, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, पीएम स्वनिधि एवं पथ विक्रेता योजना में ब्याज मुक्त ऋण, आयुष्मान भारत जैसी कई योजनाओं का लाभ सीधे गरीब परिवार को मिल रहा है। आज माननीय मुख्यमंत्री हमारे देश के लाडले शिवराज सिंह चौहान जी के चौथे कार्यकाल के दो वर्ष पूर्ण होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी राजनगर विधानसभा के अंदर। किस प्रकार की जानकारी दी? हमारी जो दो साल की जो उपलब्धियाँ थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी विकास कार्य किए हैं, पूरी हमारी सरकार के द्वारा जन कैसी योजनाएँ चलाई गई हैं उसके बारे में, और जो पूर्व में कमलनाथ सरकार के द्वारा जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा चलाई जा रही जो पूर्ववत योजनाएं थी उनको किस प्रकार से बंद किया गया था, कैसे जनता को ठगा गया था, उसके बारे में भी हमने जानकारी दी है। और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनको दो वर्ष पूर्ण होने पर सभी आप लोगों के माध्यम से उनको बधाई दी है और जो भी उनके काम है उनको बताया गया है।